और दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2023 बॉलीवुड के लिए एक शानदार ईयर गया है। जिस तरीके से इस साल में कई ढेर सारी मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी, कुछ ऐसी मूवी हैं जिनके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था, जिन्होंने लोगों को सरप्राइज किया, इन फिल्मों ने बहुत ही शानदार बिजनेस किया। नंबर 3 पर आती है ऐसी मूवी जिसको तो किसी की उम्मीद थी ही नहीं, और साथ साथ में ये लोगों ने फैमिली ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया। जी हां दोस्तों, नंबर 3 पर आती है जरा हट के जरा बच के। सारा अली खान और विक्की कौशल की ये केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। हर साल एक ना एक ऐसी मूवी आती है जो फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उन्हीं पर आधारित ये मूवी लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया। लोग इसे देखने भी गए और फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया। इस फिल्म के जो गाने थे, इन गानों पर रील्स बहुत ज्यादा बने और लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। मूवी का जो बजट था वो लगभग 40 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने जो कलेक्शन किया 120 करोड़ के लगभग, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। नंबर 2 पर आती है दोस्तों इस साल की ऐसी मूवी, जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये मूवी इस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी। जी हां दोस्तों, ये मूवी है सनी देओल की गदर 2। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो दोस्तों लोगों के बीच में ये था कि क्या ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट का क्या 10% भी कर पाएगी, लेकिन हर व्यक्ति ने बोला था शायद नहीं, ये सनी देओल की मूवी गदर को मंजूर नहीं था। इस मूवी ने इस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े कि आखिरकार पुरानी मूवी के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। ये मूवी इस तरीके से सरप्राइज हिट रही, पूरे अगस्त के महीने में ये मूवी का बुखार लोगों के सिर पर चढ़ा और लोग इस मूवी को देखने गए और ये मूवी पूरे तरीके से वायरल हो चुकी थी। बस हर फैमिली बंदा बस ये मूवी देखना चाहता था। इस मूवी का जो कलेक्शन था वो 700 करोड़ के लगभग था। तो दोस्तों इसके बाद नंबर 1 पर एक ऐसी मूवी आती है जिसमें ना कोई स्टार कास्ट था, ना कोई बड़ा बॉलीवुड सितारा था और ना कोई खास बजट था। जी हां दोस्तों, विधु विनोद चोपड़ा की 12th Fail। 12th Fail जो स्टूडेंट लाइफ पर एक मोटिवेशनल मूवी है, जो देखेगा उसे देखता रह जाएगा। इसमें से जिस तरीके से जो मैसी ने जो लीड रोल किया है वो अपने आप में इतना शानदार है कि आपको रोने पर मजबूर कर देगा। आप इस मूवी को देखेंगे तो कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आखिरकार ये किस तरीके का एक्टर है। जी हां दोस्तों, कोई बड़े बजट, ना बड़ा हीरो, ना बड़ा सितारा बॉलीवुड का, उसके बाद भी इस मूवी ने जो परफॉर्मेंस दिया है और लोगों के बीच में जो जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 15 करोड़ रुपए था और साथ में इस मूवी ने जो कलेक्शन किया है वो अपने आप में भी बहुत ही शानदार है। लगभग 70 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सी मूवी सरप्राइज सुपरहिट रही। सो प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय।